मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में कराची किंग्स के साथ रहे हैं, रेगुलरिटी में रहे हैं, कितना मुश्किल था इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना कि अब आप बाबर के अंडर खेलेंगे और बाबर कैप्टनसी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं, प्रोफेशनल किसी भी चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे आप लोगों की फील्ड हो, आई थिंक आपको आपका काम आना चाहिए। मेरा काम है परफॉर्म करना, एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टनसी भी होती है, इंजॉय करता हूँ, बहुत इंजॉय किया मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी कैप्टनसी की है जिस जिस टीमों में। सो बाबर पाकिस्तान टीम का कप्तान है, जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहा है फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ, आई थिंक ही इज बीन सुपर्ब, और उसने जिस तरह कैप्टनसी इम्प्रूव किया है, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस फ्रेंचाइज को लेके वो बहुत आगे जाएगा, और मैं बिल्कुल उसके सपोर्ट के लिए हाजिर हूँ जहाँ पे भी। मैं पाकिस्तान टीम में भी उसको मशवरे देता हूँ, चाहे उसे चाहिए हो ना चाहिए हो, हम लोगों की आदत यह है कि जो समझ आती है जाके बता दो कप्तान को। सो कराची किंग्स में भी चाहे समझ आए ना, मैं जाके बताऊंगा कि यार इस तरह करना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस बहुत ईजी चीज़ होती है, अगर आपको पता हो कि आपकी जॉब एज अ प्लेयर है या एज अ कोच है, जो भी है आपकी जॉब, आपको अपनी जॉब पहले पूरी करनी है, उसके बाद एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ओनर का डिसीजन होता है और थिंक टैंक का होता है, मेरा खुद का डिसीजन, मुझसे भी पूछा गया, ये नहीं कि मुझे कह दिया गया नहीं करनी, मुझसे खुद पूछा गया पहले। सो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे ओनर समेत वसीम भाई सारे, सो इट वॉज यूनैनिमस डिसीजन और वी आर प्राउड ऑफ इट।